आज मैं आपको लेकर आ गया हूँ कानपुर की ऐसी जगह जहाँ की खस्ता कचौड़ी सबसे ज़्यादा फेमस है। इनकी खस्ता कचौड़ी कानपुर की नंबर वन खस्ता कचौड़ी मानी जाती है और माना जाता है कि यहाँ पे लोग सुबह ब्रेकफास्ट लंच इन्हीं खस्तों को खाकर करना पसंद करते हैं। तो आज हम पहुँच गए ओमी खस्ता भंडार पी रोड सीसमो बाज़ार के पास चखने इनके सबसे फेमस खस्ता जो पूरे कानपुर में सबसे ज़्यादा फेमस है। तो आइए आज साथ में देखते हैं इनके खस्ते बनते कैसे हैं और इनकी सब्जी लोग दूर दूर से खाने क्यों आते हैं। तो देखिए हमारे खस्ता बनना शुरू हो चुके हैं, लोई को बेला जा रहा है, उसके अंदर दाल की पिट्ठी भरी हुई है और ये गरम गरम कढ़ाई में डाल दिए जा रहे हैं। और ओमी जी के खस्तों की खास बात है कि चाहे कितनी भी भीड़ बढ़ जाए, ये हमेशा अपने खस्तों को धीमी धीमी आँच में ही पकाते हैं। जब तक हमारे खस्ता धीमी धीमी आँच में पक रहते हैं तब तक भैया से पूछ लेते हैं, भैया कब से लगा रहे हैं आप ये दुकान? तो बाबा ने करी थी और बाबा ऐसे घूम घूम के बेचते थे, फिर पापा ने ये जगह स्थाई करी धीरे धीरे। जब पापा ने मेरे खस्ता चालू किया था तो 60 पैसे से चालू किया। कानपुर में सबसे पहले छोले के साथ खस्ता देना पापा ने ही स्टार्ट किया, बाकी लोग आलू से देते थे, आलू कट्टी चटनी दही थे, पापा ने ही छोले से स्टार्ट किया। अब तो धीरे धीरे बहुत लोग सब देने लगे हैं। अरे वाह क्या बात है। तो भैया आपकी दुकान की क्या टाइमिंग रहती है? टाइमिंग सुबह 8:30 बजे से हमारा चालू हो जाता है, 5 बजे तक रहता है। और दुकान किस दिन बंद रहती है? हम मंथ में छुट्टी करते हैं, वो भी अपने हिसाब से कर लेते हैं, जब कोई वर्किंग ज्यादा काम हो जाते हैं तो एक छुट्टी करके दुकान में करते हैं। और अगर हम आपकी एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो हमें कहाँ आना होगा? कानपुर में पी रोड पे है, पी रोड स्टेट बैंक के बगल में, वो भी खस्ता भंडार के नाम से। सो दोस्तों अगर आपको कानपुर की नंबर वन ओमी खस्ता कचौड़ी खानी हो तो आप पी रोड सीसमो बाजार नेहरू नगर रामबाग कानपुर में जाकर इनके खस्तों का लुफ्त उठा सकते हो। और फाइनली हमारे कानपुर के नंबर वन खस्ता रेडी हो चुके हैं चखने के लिए। तो देखिए धीमी धीमी आँच में कैसे गोल्डन गोल्डन हमारी खस्ता तो उतारी गई है, देख के मुंह में पानी आ रहा है, तो खाने में कितनी स्वादिष्ट हुई है। तो आइए ये भी देखेंगे इस वीडियो में पूरा। इतनी बारिश के बावजूद भी लोगों की यहाँ लाइन लगी हुई है और लोग दूर दूर से आए इन खस्तों का जायका लेने के लिए। और अगर इनकी सब्जी की बात करें तो इसमें डाले जाते हैं चटपटे भुने आलू, उसके ऊपर डाली जाती है ये छोले की सब्जी, ये इमली का पानी, दही और ये गुड़ की सौंठ, और ऊपर से डाली गई है मसाले वाली मिर्चें। तो देखिए क्या स्पीड से लगाई जा रही है, एक के बाद एक प्लेटें। और लोगों का कहना है कि अगर ये स्पीड से ना लगाएं तो आधे से ज़्यादा ग्राहक तो भूखे ही चले जाएं, क्योंकि जिस तरीके की इनकी लाइन लगती है, जैसे मैंने आपको दिखाया कि बरसात के मौसम में भी इतनी लाइन है तो नॉर्मल डेज में कितनी ज़्यादा होती होगी। और अगर हम इस खस्ता की दाम की बात करें तो एक प्लेट में लगाई जाती हैं 2 कचौड़ियाँ और 2 कचौड़ी का दाम है केवल 40 रुपये। 40 रुपये के हिसाब से बहुत ही जायकेदार और बहुत ही बढ़िया सामान दिया जा रहा है। अब हम अपनी कचौड़ी को घर लेकर आ गए हैं और अब हम इसको दिखाएंगे कि घर में भी खा के क्या मज़ा आता है, क्योंकि वहाँ बारिश एकदम पड़ने लगी थी तो वहाँ पे हमारे को ठहरने में वो बात नहीं आ रही थी, क्योंकि फिर वो बरसात का पानी, नालों का पानी। तो अब हम घर में बैठ के इसका स्वाद लेंगे और आपको बताएंगे टेस्ट में है कैसे। तो सबसे पहले जैसा भैया ने मुझे वहाँ पे गाइड कर दिया था कि अगर आप घर में जाके खाओगे तो उसको इस तरीके से खाना, तो वही तरीका अब हम अपनाएंगे और बताएंगे टेस्ट में है कैसी। तो सबसे पहले हमने कचौड़ी को बीच में से तोड़ लिया है, उसके ऊपर डाले गए हैं वही भुने आलू जो भैया ने दिए थे, और उसके ऊपर डाली गई है ये काले छोलों की सब्ज़ी। और ये छोलों की सब्ज़ी ही सबसे ज़्यादा फेमस है ओमी की दुकान में, जिसके लिए लोग दूर दूर से आते हैं खाने के लिए। उसके ऊपर डाली गई है सौंठ और ये लगाई गई है मसाले वाली मिर्च। और देखिए मुंह में ही इतना पानी आता है, खा के बताता हूँ है कैसी, बहुत ही खस्ता है, मज़ा ही आ गया। आप जब भी यहाँ आएँ इसका जायका ज़रूर